हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आज की क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं हम। मैंने काफ़ी आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ करवाए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट आपको यहाँ सॉल्व करवाए हैं, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन उससे हो गई होगी। आपने उम्मीद करती हूँ कि अच्छा रिविजन भी आपने किया होगा, तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। तो उसी से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक अपना ये शुरू किया है कि आपका कुछ दिन के बाद एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। उसमें सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आपको उसमें जवाब देना है। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट, एक टेस्ट आप इसको अपना समझ लीजिए। तो वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ और आपको उनका आंसर्स करना है। तो काफ़ी मैं चाहती हूँ कि आप इसे पार्टिसिपेट करें, और जो टेस्ट मैं आपको देने जा रही हूँ उसमें आप बहुत ज़्यादा आंसर्स मुझे करें। तो देखिए, टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो नीरू मैम जो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आ रही हैं। तो 5 PM उनकी क्लास आप जरूर देखिएगा, कि आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज मैम देने जा रही हैं। तो देखिएगा कि क्या ऐसा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो 5 बजे की क्लास मैम की देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैम आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल लेके आने वाली हैं। तो आइए सभी, उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, निमी, मनीष, जय, आकाश, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप आ गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन टेस्ट। ये आपका मॉक टेस्ट या आपका रिवीजन काइंड ऑफ टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ। तो आप मुझे जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ताकि कम टाइम में आपका टाइम भी सेव हो और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो ये मेरा इसका मोटिव है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि एक रिवीजन टेस्ट आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इसमें आपका आपको पता लगेगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं, कितना आपको आता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए आप मुझे, एसिनोनिक्स जुबेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आप मुझे बताइए कि एसिनोनिक्स जुबेटस जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से देखा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा कि ये किसका साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है? ये चीता का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो है असिनोनिक्स जुबेटस, इसका सही जवाब है। चीता चीता जो है वो सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल। अगर लैंड पे आपसे सबसे फास्ट, सबसे तेज एनिमल आपसे पूछा जाए, सबसे फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है? चीता। आकाश आप गलत जवाब दे रहे, जेब्रा इसका सही जवाब नहीं है। तो चीता जो एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम होता है एसिनोनिक्स जुबेटस। तो आंसर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि विंड रोज रिप्रेजेंट्स, आपको ये बताना है कि विंड रोज पवन दिग्दर्शक जो आरेख जो है वो क्या दर्शाता है। इसमें आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए कि विंड रोज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विंड रोज जो होता है वो किससे रिलेटेड है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। ये आपका टेस्ट यहाँ पे चल रहा है कि आपने कितना आपको याद है, कितना आप रिवाइज करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है, विंड टर्बुलेंस जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विंड टर्बुलेंस क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं क्लाइमेट के अंदर कि विंड की जो डायरेक्शन और स्पीड जो है वो कम या ज्यादा होने लगती है। जैसे ज्यादा होगी तो तूफान आने लगेंगे, कम हो जाएगी तो गर्मी बढ़ जाती है। तो विंड की जो डिस्टर्बेंस होती है हवा के अंदर, चाहे उसकी स्पीड हो या उसकी डायरेक्शन हो, तो उसको कहा जाता है विंड टर्बुलेंस, उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार मीनार वॉज बिल्ट बाय, आपको ये बताना है कि जो फेमस चार मीनार जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। जल्दी से जवाब दीजिए, किसने इसका निर्माण करवाया था, जल्दी बताइए किसने निर्माण करवाया था इसका। तो जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद में जो तेलंगाना है वहां पे ये स्थित है। और निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज इन, आपको बताना है कि जो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो कहाँ लोकेटेड है गाइस, जल्दी से बताइए। मंगेश गुड मॉर्निंग, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए कि कहाँ पे लोकेटेड है ये। जल्दी से बताइए मुझे कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये ग्वालियर, एमपी के ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड है। झांसी इसका जवाब नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि वो तो झांसी की रहने वाली थी, तो वहीं पे इसका निर्माण करवाया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पे इसका निर्माण नहीं करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया है ग्वालियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है
कि विच एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड ग्राम। आपको ये बताना है कि रेड ग्राम जो लाल चना जो होता है उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है लाल चने के अंदर। तो ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, हमारा सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी जो है, यूरिएज जो है वो लाल चने के अंदर प्रेजेंट होता है। मंगल दीपक सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से जवाब देते जाइए, आपका टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो इसके अंदर यूरिएज प्रेजेंट होता है। यूरिएज और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ देखने को आपको मिलता है? तो जो यूरिन जो होता है, ह्यूमन बींग के जो यूरिन के अंदर भी यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यूरिएज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लाल चने के अंदर भी होता है, जो ह्यूमन का यूरिन जो होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि ब्लू विट्रियोल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि जो तूतिया जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है वो किसका अन्य नाम है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, किसका दूसरा नाम है ब्लू विट्रियोल, तो ये किसका दूसरा नाम है बताइए जल्दी से। तो कॉपर सल्फेट जो है ऑप्शन ए वो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। ब्लू विट्रियोल जो है वो कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है, नीले रंग का होता है, तो इसके लिए उसको निकनेम भी दिया जाता है ब्लू विट्रियोल, इसके लिए इसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड। आपको ये बताना है कि जो मैच बॉक्स माचिस जो होती है उसमें जो रबिंग सरफेस जहां से हम माचिस जलाते हैं उसके कौन सा उसके ऊपर एलिमेंट पाया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन स्पेस क्राफ्ट। अंकुल मिश्रा जी, मैंने आपका नाम ले दिया है, तो आप जल्दी से मुझे जवाब बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन स्पेस क्राफ्ट टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उसको स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है। तो कौन से मटेरियल को, कौन से एलिमेंट को हम यूज करते हैं? तो जो टाइटेनियम जो है, Ti जिसे डिनोट करते हैं, तो टाइटेनियम के एलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपको पता है स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है और वो मेल्ट ना हो, पिघले ना। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है कि टाइटेनियम जो है वो ऐसा मटेरियल है जो स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है। नीलू पांडे वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से आंसर कीजिए मेरे साथ जी, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड इज ऑफ। आपको बताना है कि इनमें से आपको कुछ एयरपोर्ट के नाम दिए गए हैं और कौन सा एयरपोर्ट जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर लोकेटेड है, ये आपको बताना, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई के ऊपर जो है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा, जो दाओचेंग याडिंग एयरपोर्ट जो है वो चाइना के अंदर लोकेटेड है और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से देखिए, आपकी रिवीजन क्लास है तो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको, क्योंकि आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से बस आंसर्स हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये करवा रही हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जाम में कोई आपसे थ्योरी या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, तो एक लाइन में आपको उसका जवाब देना होता है, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो मैं चाहती थी कि कम टाइम में आपका रिवीजन हो सके, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है। आपको बताना कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, कौन से ईयर में सेबी को स्थापित किया गया था। तो 1988 के अंदर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सेबी की स्थापना की थी। सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जो शेयर मार्केट होता है उसको कौन रेगुलेट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इंडिया में कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसको सेबी रेगुलेट करती है, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर, इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजेश हैप्पी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 1988 इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि लोथल सिटी ऑफ आईवीसी वॉज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर।
आपको ये बताना है कि जो लोथल सिटी जो है वो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो रहा है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको इसमें बताना है कौन सी नदी पे है। मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको स्टेट भी इसका बताया था, तो जल्दी से बताइए। कुमार कौशल बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सेबी का, और इसके चेयरमैन जो है अजय त्यागी है। ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप इस क्वेश्चन का जवाब और दीजिए कि लोथल सिटी कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो जो भोगवा रिवर जो है गुजरात के अंदर, उस नदी के ऊपर ये स्थित है। और लोथल किसके लिए जाना जाता है, तो डॉकयार्ड्स के लिए लोथल जाना जाता है, नौसेना के जो अड्डे होते हैं उनके लिए लोथल जाना जाता है। और कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उससे इसका संबंध है, उसकी एक इम्पोर्टेंट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नोन एज लैंकाशायर ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जिसको लैंकाशायर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो कौन सी ऐसी साइट है जल्दी से बताइए मुझे। तो चाहूंदारो जो है ऑप्शन सी आपका इसके लिए सही जवाब हो जाए। चाहूंदारो जो है उसको इंडिया का लैंकाशायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप कि हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। आपको यहाँ पे बताना है कि स्मॉल पॉक्स चेचक के लिए जिस टीके का आविष्कार किया गया है वो आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। इसका सही जवाब बताइए कि कहाँ। आकाश पूछ रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े, तो देखिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको करवाए हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाए, आप पिनेकल में अगर जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी इस मॉक टेस्ट की, तो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। और आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो पिनेकल का नंबर आपको गिवन है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किसने की थी, ऑप्शन सी जो है वो एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की किसने की थी, स्मॉल पॉक्स की तो आपको पता है कि एडवर्ड जेनर ने की थी, और वैक्सीनेशन की किसने की थी, लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं आती है कि जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आप मान लीजिए बैंक से उधार लेते हैं, तो बैंक आपको क्या करेगा, वो पैसे चुकाने के लिए जब आप पैसे चुकाएंगे बैंक को तो वह आपसे कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज आपके ऊपर कुछ लगाएगा कि आपने 10 रुपये मुझसे उधार लिए हैं तो आपको 5 रुपये का ब्याज लगेगा और आपको मुझे इतने 15 रुपये वापस करने हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है इकोनॉमी तो जो प्रोडक्शन हो गया, अगर आपको पता है कि अगर कस्टमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बैंक को तो उसकी प्रोडक्शन जो है, पैसे कम बचेंगे कस्टमर के पास तो प्रोडक्शन कम होगी, तो इंक्रीज नहीं होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है। मनीषा एहसान बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब था। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। आपको ये बताना है कि गुप्ता एम्पायर के फाउंडर का क्या नाम था। काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने काफी बार सॉल्व करवाया आपको, तो जल्दी से बताइए कि क्या इसका सही जवाब होगा। जल्दी बताइए इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन ए श्री गुप्त जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा। निमी गुड मॉर्निंग, आप जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अभय प्रताप की मैम रीड करने का टाइम दो, या रीड करने का टाइम इतना नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है, तो और भी बच्चे लिंक हैं हमारे साथ, तो कम टाइम में आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जल्दी बताइए गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन है। श्री गुप्त जो है वो गुप्ता एम्पायर का फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि हु इज कॉम्पिटेंट टू डिजोल्व द राज्यसभा। तो राज्यसभा को कौन डिजोल्व कर सकता है, मैंने टॉपिक पूरा अच्छे से आपको समझाया था कि कोई नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, मतलब उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोकसभा जो है वो क्या है, वो एक टेम्पररी हाउस है, मतलब उसको डिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है, और लोकसभा का कितना होता है, 5 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है, और 25 साल जो है वो लोकसभा के नॉमिनेशन की उम्र होती है, और राज्यसभा की कितनी होती है, 30 साल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो नर्व सेल जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नर्व सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी सेल है,
नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो न्यूरॉन्स जो आपने सुना होगा, न्यूरॉन्स में नर्व सेल प्रेजेंट होती है। नर्व सेल क्या करती है, जो मैसेज जो ब्रेन को दिमाग को जो मैसेज पहुंचता है उसको पूरे ब्रेन में वो सर्कुलेट करती है। तो नर्व सेल का सबसे बड़ी सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का सारा काम जो होता है वो आपका दिमाग करता है, दिमाग ही हर चीज को कंट्रोल करता है। तो उससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी सेल जो होगी वो आपके दिमाग में पाई जाएगी। अब दूसरा देखिए क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, लंबी तट रेखा कौन से स्टेट की है। तो कौन से स्टेट की तट रेखा, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन से स्टेट की है। तो ये है गुजरात, गुजरात स्टेट की सबसे लंबी ये तट रेखा है। तो जल्दी से बताइए मुझे क्या। तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी, सबसे लंबी किसकी तट रेखा है, वो है हमारे गुजरात की। जो गुजरात राज्य जो है सबसे लंबी तट रेखा उसकी है। सबसे छोटी किसकी है, अगर स्मॉलेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे छोटी है। और इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ये इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है। और सबसे लंबी गुजरात की है और सबसे छोटी जो है वो वेस्ट बंगाल की है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए अगर अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ की जो डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की होगी। अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ घूमती है। तो अर्थ के चारों ओर जो भी चीज घूमती है उसकी डायरेक्शन भी अर्थ के सेम होगी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। सुखविंदर सिंह जी, मैंने आपका नाम ले दिया है तो आप जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या था। तो वेस्ट टू ईस्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब। राजेश हैप्पी, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। निम्मी, आपने भी सही जवाब दिया है। दीपिका, राजेश्वर, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर होगा वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब आप काफी अच्छे से मैं रिवीजन कर रहे हैं, मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये बताइए कि मिलिंद पन्हो क्या है। ये मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज मिलिंद पन्हो, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बौद्ध पाठ जो है वो इसको कहा जाता है। मिलिंद पन्हो वैसे मतलब था क्या, ये क्या है, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, ये पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। और जो मिलिंद पन्हो जो था वो एक इंडो ग्रीक शासक था, इंडो ग्रीक शासक था जिसने कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे नागार्जुन से। उसके मन में जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने उनसे किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को उन्होंने उन्होंने नाम दे दिया कि मिलिंद पन्हो, जिसका मतलब है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। एहसान आलम कह रहे हैं कि मैम अपोजिट हो गया अर्थ की रोटेशन के। देखिए सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं हो गया, अगर अर्थ जिस डायरेक्शन में घूम रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि माइकल एंजेलो वाज अ फेमस। आपको बताना कि माइकल एंजेलो जो थे वो एक क्या फेमस थे, क्या मतलब किसके लिए वो फेमस थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जल्दी से जवाब दिए, माइकल एंजेलो किस चीज के लिए फेमस थे, तो किसके लिए फेमस थे वो, जवाब दीजिए मुझे किसके लिए फेमस थे। वो एक फेमस पेंटर थे। तो ऑप्शन बी जो है, एक आर्किटेक्ट वो थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि वियतनाम इज द कैपिटल ऑफ। आपको बताना है कि वियतनाम जो है वो किसकी कैपिटल है। तो काफी इजी क्वेश्चन ये है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, करवाया भी है। तो मुझे जवाब दीजिए वियतनाम जो है वो किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है वियतनाम, लाओस की कैपिटल है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। कितने बच्चों को पता है, कौन कौन से बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच, एक क्लोज्ड, एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक क्लोज्ड चीज क्या होती है, बंद चीज क्या होती है जिसमें किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं होता, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि ऐसी एक देश जो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करती हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस नहीं हो उसका, उसको कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है कि एलिमेंट 106 वाज डिस्कवर्ड बाय। आपको बताना है कि एलिमेंट 106 जो है वो किसके द्वारा उसकी डिस्कवरी की गई थी। एलिमेंट 106 ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना
कि सीबोर्ग जो है ऑप्शन बी, अब एलिमेंट 106 क्या होता है, सीबोर्गियम होता है एलिमेंट 106, उसकी खोज किसने की थी, सीबोर्ग ने उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, आपको बताना है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया में कहाँ पे है, ये आपको इसमें बताना, जल्दी से जवाब दीजिए कहाँ पे लोकेटेड है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया में। ये ऑप्शन सी जो है नागार्जुन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, टाइगर की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इसी टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन जो सी जो है वो आपका सही जवाब है। देखिए पेंच जो नेशनल पार्क है कहाँ पे, जल्दी जल्दी से मेरे साथ जवाब दी, ये एमपी के अंदर लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, वो असम के अंदर लोकेटेड है। और देखिए कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। तीनों की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। और टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है, और ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के अंदर ये है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट बताइए कि रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ, तो रथ यात्रा के बारे में काफी आपने सुना होगा, आपके फ्रेंड्स भी होंगे ओडिशा से, उनके उनसे आपने सुना होगा इसके बारे में। तो रथ यात्रा जो है वो जो भगवान जगन्नाथ जो है उनकी याद में, उनके सम्मान में निकाली जाती है। तो लॉर्ड जगन्नाथ इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है। एक मंदिर का नाम आपसे पूछा जाता है कि कौन से मंदिर तक इसकी यात्रा चलती है, तो गुंडीचा जो मंदिर है उड़ीसा का वहां तक इसकी यात्रा चलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंदिर में जाके जो रथ यात्रा जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये जो यात्रा है जो गुंडीचा मंदिर जो है उड़ीसा का, वहां पर जाके ये यात्रा खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है आप कि स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, आपको बताना है गेहूं का जो मेल जो होता है, आकाश मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आपकी क्लास डेली होती है। जी हाँ मेरी क्लास डेली होती है, 9:30 AM मेरी डेली क्लास होती है। मैं मॉक टेस्ट आपको यहाँ सॉल्व करवाती हूँ जनरल अवेयरनेस के। स्मट ऑफ वीट क्या होता है कि जो उस्टिलैगोट्रिटिसाइज जो है वो क्या होता है, एक पैथोजन होता है जो वीट के अंदर वीट को खराब कर देता है, फंगस लगा देता है। तो जो फंगस लग जाता है वीट में उसको गेहूं का मेल मैल कहा जाता है, स्मट ऑफ वीट उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट इज यूस्टिलैगोट्रिटिसाइज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएन ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ संबंध नहीं रखता है, वो कौन सा ऐसा जो इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है। तो एशियान जो है ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। एशियान क्या है कि जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज आती है उनका एक समूह है, उनके एक ग्रुप है जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो आपस में मिलजुल काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता कहाँ पे है, जकार्ता है इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। इनके हेडक्वार्टर देखिए ILO WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर बिल्कुल सेम है। इनका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, और जेनेवा जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली के अंदर, और इटली कहाँ पे है, रोम के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि व्हाट शुड बी मेनली इन अ फ्यूज वायर, आपको बताना है कि जो फ्यूज वायर जो होती है, फ्यूज वायर में क्या होता है, मतलब जो फ्यूज वायर जो घरों में आपको देखने को मिलती है, आपने काफी सुना होगा कि फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज उड़ने में कि उसमें वायर में क्या होता है, उसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस होता है। तो देखिए जो करंट जो आप वायर में जो ट्रेवल करता है, तो कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, लाइट तेज हो जाती है, जिसमें क्या है शॉर्ट सर्किट या आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्यूज वायर जो होती है उसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो वो क्या करती है कि वो अलग हो जाती है, टूट जाती है, जिसको कहते हैं फ्यूज उड़ना। जो फ्यूज उड़ना जो होता है वो इसलिए होता है ताकि करंट आगे फ्लो ना हो और आग आग ना लगे या ब्लास्ट ना हो, उसके लिए फ्यूज जो है उड़ जाता है। तो देखिए हमारे लिए कितना काम करता है, कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है खुद को कि वो उड़ जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेसिस्टेंस इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट इज नोन एज, आपको ये बताना है कोई भी एक पार्लियामेंट की कमिटी है उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है एडहॉक कमिटीज। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए
जो परमानेंट कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट की, जो कि हमेशा पार्लियामेंट में बनी रहती है और सारे पार्लियामेंट के काम वो देखती है, उनको कहा जाता है परमानेंट। एड हॉक का मतलब क्या है, जो ये वर्ड जो है इसका मतलब है टेम्परेरी, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक काम के लिए, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया जाता है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया दैट इज भारत। आपको बताना है कि आर्टिकल 1 में भारत को क्या बोल, इंडिया जिसको भारत भी कहा गया है वो क्या है, तो वो क्या है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया जिसको भारत भी कहा गया है वो राज्यों का एक संघ है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि सब सेंटर ने, पहले सेंटर हमारी पार्लियामेंट हमारी बनी थी, उसके बाद उसने राज्यों का निर्माण किया गया, तो राज्यों का संघ बनाया है, तो राज्यों के संघ को क्या कहा जाता है, भारत। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ओटेक की फुल फॉर्म क्या है। ओटेक की फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो देखिए ओशियन से जो भी एनर्जी मिलती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस होती है ओटेक। ओटेक की क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ये काम आती है, जो ओशियन की जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना ओटेक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा पास लोकेटेड है, कौन सा पास है हिमाचल के अंदर। मैंने बताया हुआ है शिवकिला पास जो है वो हिमाचल के अंदर है। हिमाचल के अंदर दो पास और हैं इंपॉर्टेंट, वो पास कौन से हैं, बारालाचाला पास का नाम आपने सुना होगा, बारालाचाला पास जो है वो भी इसके अंदर है सिक्किम में, और रोहतांग ला का नाम आपने सुना होगा। तो दोनों पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पास जो है ये हिमाचल के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जोजिला पास कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, नेशनल हाईवे 1 पे लोकेटेड है। नथुला पास कहाँ है, नथुला पास और जेलेपला पास दोनों सिक्किम के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल टू चेक सॉइल इरोजन आर कॉल्ड। आपको बता रहा है ये ऐसी एक प्लांटेशन की जाती है जिसमें कि मिट्टी जो अपरदन जो होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है उसको बचाने के लिए किया जाता है। तो एफोरेस्टेशन जो है, पौधे लगाना, पेड़ लगाना, वो किस लिए किया जाता है, ताकि आपकी मिट्टी की जो ऊपरी परत, सॉइल इरोजन होता है कि मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है उसमें काफी न्यूट्रिएंट और प्रोटीन्स होते हैं, तो वो परत क्या होती है, बाढ़ आ जाती है या पानी या हवा से वो मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है, उसको कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हवा आए या बाढ़ आए तो जो मिट्टी जो है वो उड़े ना, अपनी जगह से कहीं जाए ना। तो एफोरेस्टेशन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए एक टेस्ट रखा था, ये आपके क्वेश्चंस मानती हूँ मैं रिपीट किए हैं, क्योंकि टेस्ट था तो वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कि जो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। तो आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप मुझे आंसर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही है। तो आप, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको से भी डिस्कस कीजिए इन क्वेश्चंस को, और लाइक करना मत भूलिएगा। और देखिए, जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो नीरू मैम जो है वो 5 PM पे क्लास लेने वाली है, उसमें आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज मैम ने रखा, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। तो सरप्राइज क्या है वो तो मैम ही आपको बताएंगी, वो मैं नहीं बताऊंगी, तो आप इस क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल।